हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग आनी कसा का है मंडली। मैं हूँ अजिंक्य और आप देख रहे हो मेरा चैनल लाइफ स्टीलर अजिंक्य। दोस्तों, आज अपने चैनल के ऊपर एक कंप्लीट वॉक अराउंड होने वाला है फॉर न्यूली लॉन्च होंडा CB200X। अभी ये जो होंडा CB200X है ना गाइज, दिस इज अ एडवेंचर टूरर सॉर्ट ऑफ अ बाइक फॉर अ स्टार्टिंग CC सेगमेंट। इस बाइक का मेन जो फोकस है वो है मेकिंग यूर सिटी कम्यूट्स मोर कम्फर्टेबल, एज वेल एज जब भी आप हाईवे के ऊपर लॉन्ग टूर करने का सोचो तभी भी इसका जो कंफर्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक कंप्लीट वॉक अराउंड ऑफ CB200X, उसकी ऑन रोड प्राइसिंग क्या जाती है इन कल्याण MS05 दैट इज, और कुछ बेहतरीन फीचर्स जो इस बाइक में होंडा ने ऐड किए। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आहिर होंडा फ्रॉम कल्याण। तो इनका जो है खड़कपाड़ा के नज़दीक में ही शोरूम है फॉर द होंडा टू व्हीलर स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो होंडा की टू व्हीलर मिल जाएगी एट द बेस्ट प्राइस, एंड ऑल्सो इनकी जो सर्विस है दैट इज़ सो ऑसम। तो अगर कोई भी आपको होंडा की टू व्हीलर लेना है, जस्ट विजिट आहिर होंडा कल्याण, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो गाइस, चलो अभी इसके वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर द मोस्ट, ये जो बाइक है गाइस, ये बहुत ही बड़ी बाइक दिखती है। आपको कहीं से भी लगेगा नहीं कि ये 200 सीसी की बाइक है, ये आपको 500X की याद तो ज़रूर दिला देगी। तो जो भी 500X बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस में होगी, तो गो फॉर दिस। नाउ इसकी जो बिकिनी फेयरिंग है दिस, तो ये हम इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी बाइक ले लो, अगर उसमें हाफ फेयरिंग लगा देते हो तो वो बाइक जो है वो हिट हो जाती है। दैट इज़ व्हाट होंडा इज़ ट्राइंग टू डू। ये जो है दिस इज़ अ हॉर्नेट, एवरीबडी नोज अबाउट इट, दिस इज़ अ हॉर्नेट। बट ये जो फेयरिंग का मैजिक है ना बॉस, विथ दिस टॉलर वाइजर, दैट्स रियली ऑसम। अभी मैं इसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दिस इज़ अ 200cc एयर कूल्ड इंजन, बट येस दिस इज़ अ होंडा इंजन, तो इसकी जो रिलायबिलिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। और इसकी जो सस्पेंशन है वो भी एग्जैक्टली द सेम एज अ हॉर्नेट। तो इसकी जो भी और स्पेसिफिकेशंस है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। नाउ इस बाइक की जो कंप्लीट लाइट सेटअप है, जैसे कि ये फ्रंट की लाइट हो गई, जो इसके इंडिकेटर्स फ्लैशर्स है, जो इसकी रियर के जो ये टेल लाइट है प्लस साइड लाइट्स, ये सब के सब जो है वो LEDs है। दैट इज़ रियली अ गुड थिंग जो होंडा करने की कोशिश कर रहा है। जो LEDs है दैट इज़ द फ्यूचर, और उसी को आगे प्रमोट कर रहा है। और ये बाइक में अभी फ़िलहाल आपको फ्रेम में जो सबसे ज़्यादा उठ के आने वाला एलिमेंट है दैट इज़ दिस USD फोक्स। तो ये जो है गाइज, दिस इज़ द गोल्डन कलर अपसाइड डाउन फोक्स, आप देख सकते हो। अभी इसके जो टायर्स है वो भी सेम है एज अ 17 इंचर एंड 17 इंचर, बट दीज आर द ड्यूल स्पोर्ट्स टाइप टायर्स। तो इसमें आप थोड़ा बहुत जो ऑफ रोडिंग है वो आप कर सकते हो, मतलब मिट्टी का रोड है, स्लश है, तो उसमें आप जो गाड़ी है वो चला सकते हो। मुझे होंडा की जो अटेंशन टू डिटेल है ना गाइस, वो बहुत पसंद है हमेशा से। आप देख सकते हो ये जो सादी गाड़ी है वो किस हिसाब से इंटीग्रेट किया गया है, मतलब बिल्कुल जो बाइक का लुक है यार, उसको ख़राब नहीं करता। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। प्लस इज ऑल्सो प्लास्टिक, तो जो साड़ी गाड़ी है उसका भी काम करता है, और जो गाड़ी का लुक है वो भी ख़राब नहीं करता है। देन यू हैव द मेन स्टैंड। बहुत सारी बाइक्स पे मेन स्टैंड अभी फ़िलहाल मिसिंग जा रहा है, तो यहाँ पे अभी भी आपके पास डबल स्टैंड है। एंड रियर में जो है वो आपको एक मोनोकॉक मिल जाएगा बीच में। तो ये वाले जो है ना गाइस, ये चीज़ आपको भाई कॉर्नरिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी सही होने वाली है, क्योंकि इसमें आते हैं पेटल डिस्क ऑन द फ्रंट एंड द रियर एज वेल। तो आपको प्रॉपर जो ब्रेकिंग है वो मिलने वाली है। फेयरिंग में आपको यहाँ पे ऐसे श्राउड्स तो दिखेंगे, बट इसके अंदर कोई भी आपको रेडिएटर या फिर ऐसा कुछ इंटीग्रेटेड नहीं है। अगर ये लिक्विड कूल टाइप के इंजन होता ना बॉस, तो ये बाइक जो है ये प्रॉपर टूरर बन जाती है इन द एंट्री लेवल सेगमेंट। अभी अपन गाड़ी के नीचे के पार्ट से थोड़ा सा ऊपर आते हैं टू द मेन कंसोल। अभी ये जो कंसोल है ना गाइस, दिस इज़ ऑल्सो सो ऑसम यार, जस्ट लुक एट इट। कम्प्लीट डिजिटल, देखने में ना यार फ्यूचरिस्टिक का एक फील आता है। और यहाँ पे जो है आपको ये जो ट्रिप है ये चेंज होती है एज पर योर कन्वीनियंट। दिस इज ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन यू हैव द बैटरी का वोल्टेज। तो यहाँ से आपको बैटरी बराबर है, सही कंडीशन में है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो किक है वो यहाँ पे मिसिंग है। एंड अल्सो आपको टोटल किलोमीटर जो है वो मिलेगा यहाँ पे। गियर पोजिशन इंडिकेटर है, रेव काउंटर है, और कम्प्लीट जो आपका स्पीड है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ABS, सो दिस बाइक हैज़ ABS सेंसर एज वेल। बट ABS के बारे में गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दिस इज़ अ सिंगल चैनल ABS पीछे के व्हील के ऊपर।
कोई भी ABS का सेंसर नहीं है, दैट इज़ रियली अ मिस। बाइक जितना कॉस्ट करती है तो यार डबल चैनल ABS होना ही होना चाहिए था। अभी इसका जो हैंडल बार है, अगर आप प्रॉपरली देखते हो तो दीज आर द राइजर्स, तो इससे आपका जो हैंडल बार है वो काफ़ी ऊपर आ गया है एंड जिसके आपकी जो सिटिंग पोजिशन है वो काफ़ी सुधर गई है। अभी आप देखोगे हैंडल बार का भी जो विड्थ है बॉस, दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मतलब समझ में आता है कि होंडा की गाड़ी है तो ऑब्वियसली यार क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच होने वाला है। तो दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग यार, मतलब इतना जाड़ा वाला हैंडल बार मैंने लगता नहीं कि किसी और बाइक में देखा है इन दिस सेगमेंट। अभी आते हैं इसके स्विचगियर क्वालिटी के ऊपर, तो फाइनली यू कैन सी कि स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो आपको अभी यहाँ पे मिल जा रहा है। होंडा में ये बहुत टाइम से मिसिंग था बट फाइनली इट्स हियर। दिस इज़ यू कैन सी अ हज़ार्ड लाइट, तो इससे क्या होता है आपके जो चारी के चारे इंडिकेटर्स है वो चालू हो जाते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कोई भी बारिश के सिचुएशन में या फिर टनल के अंदर उसको चालू मत कीजिएगा। जब भी आप हाईवे के ऊपर स्टेशनरी होते हैं तभी उसको यूज़ कर। एंड दिस इज़ अ इंजन स्टार्ट बटन। जो ग्रिप है ये काफ़ी बढ़िया दी गई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है और आपको ग्रिप करने में कॉन्फिडेंस आता है। नाउ इसके अगर आप हैंड गार्ड्स देखोगे तो दीज आर रियली स्ट्रॉन्ग यार, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। एक्चुअली इसके अंदर जो है आपका इंडिकेटर एम्बेडेड किया गया है, दिस इज़ अ LED इंडिकेटर। मैं आपको एक बार चालू करके भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। नाउ आते हैं दिस साइड, तो यहाँ पे आपको पास स्विच मिलेगा, दिस इज़ लो बीम हाई बीम स्विच, दिस इज़ अ इंडिकेटर स्विच और नीचे जो है वो आपको हॉर्न मिल जाएगा। अभी इसका हॉर्न भी काफ़ी ऑसम हॉर्न है यार, मतलब अच्छे से आवाज़ आता है, सो दैट्स रियली गुड थिंग। अभी पीछे आते हैं तो दिस टैंक यार, ये जो कंप्लीट फील है ना यार, आप जस्ट कॉकपिट को एक बार देख लीजिए कैसा परफेक्ट लग रहा है, मतलब ऑसम। ये कोई भी आप बोल नहीं सकते, मतलब इसमें 1000 CC के भी बाइक को आप बोल सकते हो कि ऐसे ही दिखता रहेगा। नाउ दिस इज़ अ पेट्रोल फिलिंग कैप, अभी इसमें प्रॉपर हिंच दी गई है, सो दिस इज़ रियली अ गुड टच। और मिरर्स काफ़ी अच्छे और बड़े वाइड मिरर्स है, ग्रेट। देन आप आते हो यहाँ पे जहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम रहोगे, एंड जो इसकी कुशनिंग है वो भी सही है। पिलियन सीट पे आते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड यार। और यहाँ पे जो आपको हम्प मिलता है राइडर सीट और पिलियन सीट के बीच में, सो दिस विल एक्ट एज काइंड ऑफ अ सपोर्ट टू द राइडर, सो दैट राइडर जो है वो अपनी बाइक को लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंस लेके जाए। अभी आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है अपना गियर पोजीशन जो आप चेंज करते हो, पीछे जो टो वाला है वो नहीं है यहाँ पे। पिलियन के जो ग्रैब रेल्स है वो भी काफ़ी ह्यूज और बड़े हैं, मतलब पिलियन को यहाँ पे पकड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देन ये जो आपको एग्जॉस्ट दिख रहा है ये काफ़ी स्टबी एग्जॉस्ट है एंड इट लुक्स गुड। और इसका जो साउंड है वो मैं अभी आपको सुना देता हूँ। गाइस इसका जो वाइजर है ना जिससे गाड़ी को एक टॉल स्टांस मिलता है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव मुझे लग रहा है अभी यार, पता नहीं है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये कितना इफेक्टिव रहा ऑन द हाईवेज, बट हाँ अभी फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी वजह से गाड़ी को ना एक बहुत अच्छा सा कैरेक्टर उभर के आ रहा है, एज यू कैन सी बहुत बढ़िया दिख रहा है यार गाड़ी। एंड ये जो कट्स है गाइस ये एग्जैक्टली इसके लिए बनाए गए हैं, ये कट्स के अंदर जो आपके हैंड गार्ड है वो बराबर से फिट हो जाते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये जो है यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, सो दैट्स द थिंग यार। बहुत सही बाइक है, बहुत अच्छा दिख रही है। लेट्स सी अभी इसको चला के देखते हैं कैसा है क्या है। टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्राइसिंग, मतलब क्या है, कितने तक आ रहा है? ओके, तो CB200X द एक्स शोरूम प्राइस इज दैट्स 144,500, एक्स शोरूम प्राइस इज 144,500। इट कम्स विद सिंगल वेरियंट, एक ही वेरियंट है, अभी तक सेकेंड वेरियंट लॉन्च नहीं हुआ है। एंड देन इसका इंश्योरेंस विल बी 1+4, फर्स्ट ईयर विल बी 0 डेप्रिसिएशन, दैट विल कॉस्ट 8,529 रुपीज़। RTO टैक्स वैलिड फॉर 15 ईयर्स, दैट विल बी 16,813। शोरूम RTO और इंश्योरेंस इट विल कॉस्ट यू 169,842, दैट्स अप्रोक्स ऑफ 170। Then accessories is an optional part. Accessories. Okay. So accessories में क्या क्या available है? Accessories will be leg guard. It will be basic accessories. आपको basic branded helmet आएगा. That will be उसमें भी तीन qualities है अपने पास. Steel bud, studs and replay. ये qualities है. ये तीनों में से आप कोई भी prefer कर सकते हो. Right. Original leg guards. और साइड्स, फिर साइड गार्ड तो उसका फिटिंग में ही आता है। ग्रिप, पार्किंग कवर, ये बेसिक है। एंड प्लस इवन दो इसमें हम एक साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर आप लेते हो तो इट विल बी अप्रोक्स ऑफ 4,000 रुपीज़। वारंटी कंपनी से कितना आता है? दैट स्टैंडर्ड वारंटी फॉर 3 ईयर्स।
स्टैंडर्ड ऑर्टी फॉर 3 इयर्स और आप उसका एक साल मतलब टोटल 4 टोटल 4 इयर्स का एक बेसिक पैकेज के साथ तो आपको 4 इयर्स का उसमें एक्सटेंडेड होके आएगा। ओके ठीक है सही है। और सर अभी इसमें कौन से तीन कलर्स है जैसे कि कलर्स विल बी रेड सिल्वर एंड ब्लैक ये तीनों कलर्स अवेलेबल है। ओके और किसी कलर पे कोई वेटिंग या फिर ऐसा कुछ फॉर द टाइमिंग देयर इज नथिंग लाइक दैट बट विद बुकिंग बहुत जल्दी जल्दी राइट एग्जैक्टली तो जिसको भी चाहिए फटाफट आके बुकिंग कर सकते हैं। sure. सर यहाँ पे सर योर गुड नेम प्लीज डेविड सर तो डेविड सर आहे रोंडा से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच डेविड सर। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस क्विक वॉक अराउंड। मुझे लगता है कि जो भी मैंने वॉक अराउंड में आपको बताया वो सब आपको समझ में आ गया रहेगा। स्पेशली इसकी जो प्राइसिंग है वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर की। तो कभी भी अगर आपको लगता है होंडा का कोई भी बाइक चाहिए तो यू कैन कम टू आहेर होंडा कल्याण। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। अभी इसका जो है वो कंप्लीट डिटेल राइड वीडियो भी आने वाला है जो कि मैं अभी इसके आगे शूट करूंगा। सो जस्ट वेट फॉर इट। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक राइड सेफ ड्राइव सेफ। बाय गाइस।